भौरा गौरकुटी दुर्गा मंदिर प्रांगण में नवयुवक समिति के द्वारा कर्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 30 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न टीमों के युवतियों ने कर्म गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर झारखंडी संस्कृति को की याद ताजा कर दी। कार्यक्रम में प्रधान घंटा सहरपुरा, गोविंदपुर, मोदीडी, मनोहरटांड, बोकारो, भूली, गौरकुटी, जामगढ़िया, गोदर, आमडी, बलियापुर, कपूरिया, सियालजोड़ी, पटिया, लाहरगोड़ा, राजगंज, तोपचांची आदि क्षेत्र के कलाकारों ने हिस्सा लिया। देर रात विजेता और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कमेटी ने बताया कि भाई की दीर्घायु होने की कामना के लिए बहन कर्मा पर्व करती है, जिसमें जवाडाली में नदी किनारे कुर्थी के दाने बुनकर पर्व का शुभारंभ किया जाता है। साथ ही पर्व में बहन अपने भाई की जिंदगी प्रकृति की तरह हरा भरा रहने की दुआ करती है। वहीं इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुरस्कार राशि एवं 7 सदस्य टीमों को एक साड़ी देकर सम्मानित किया जाएगा। हालांकि किसी प्रतियोगिता टीम को चाहे कर्म अखाड़ा दल को उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सिर्फ राशि ही पर्याप्त नहीं होता है, परंतु हमारे इस प्रतियोगिता में भारी भरकम प्रथम पुरस्कार के लिए 20,000 रुपये, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के लिए 10,000 रुपये, तृतीय श्रेणी के लिए 5,000 और यही क्रम लगातार राशियों में घटता क्रम के अनुसार 5 पुरस्कार निर्धारित किया गया। इस आयोजन की जो श्रेष्ठ 5 टीमें होंगी उनके लिए 5 पुरस्कार, उसके बाद भी यही पुरस्कारों का सम्मानों का दर यही समाप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे माताएं बहन हैं, उनके परिजन जो आए हैं, उनके आवागमन में जो खर्चे हुए हैं उसके लिए कमेटी अपना भाव प्रकट की है और उनके लिए सहयोग से 25 टीमों के लिए 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में और साड़ी भी उन्हें मुहैया कराया जाएगा जैसे कर्मवर्ती। इसके अतिरिक्त भी जो टीमें आई है उन्हें भी अतिरिक्त पुरस्कार और सम्मान राशि के रूप में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश महतो हुआ, आयोजक कमेटी के और सदस्य।